हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेल्टन एग्ज़ाम कैसे लेती है। तो आपके मन में ये सवाल होगा, अगर आप डाटा इंटरप्रेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल होगा कि बेल्टन एग्ज़ाम कैसे लेती है, बेल्टन के एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाता है और कितने मार्क्स में आप क्वालिफाइड कर जाते हो। उसके बाद एग्ज़ाम का आवेदन शुल्क कितना लगता है, ठीक है। उसके बाद इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए आप एंड तक, आपको सारी अपडेट इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए उस नोटिस पे देखते हैं, उस नोटिस पे क्या-क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बिहार सरकार की बिहार गजट के इस नोटिस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निबंधन संख्या यहाँ पे TP40 है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 अक्टूबर 2012 का, जब पिछली बार जब एग्ज़ाम बेल्टन लिया था उससे पहले ये नोटिस बिहार सरकार की तरफ से जारी हुआ था, क्योंकि बिहार सरकार का बेल्टन जो है वो उपक्रम है, इसीलिए बिहार सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ था, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, राज्य सरकार के अधीन बेल्टन द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों में उपलब्ध कराए गए विभिन्न कोटि के कर्मियों के लिए प्राथमिक की प्राप्ति हेतु परीक्षा की प्रक्रिया, मार्गदर्शक सिद्धांत एवं विस्तृत पाठ्यक्रम, यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है। यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। पहला है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामर, सॉरी यहाँ पे जो है आंसू लिपि है यानी कि स्टेनोग्राफर। उसके बाद यहाँ पे है प्रोग्रामर, ठीक है। 3 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी बेल्टन की तरफ से। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे डाटा इंटरप्रेटर के लिए ऑनलाइन फ़ी जो यहाँ पे लगने वाली है 500 रुपया। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे भी 500 रुपया, प्रोग्रामर के लिए 500 रुपया। उसके बाद यहाँ पे जो है अभ्यर्थी द्वारा उत्तीर्ण होने के पर परीक्षा फल ग्रेड निम्नलिखित प्रकार है। तो आपको कम से कम यहाँ पे 60+ यहाँ पे मार्क्स लाना है कम से कम, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आईडी बॉयज आदेशपाल, यहाँ भी आईटी बॉयज़ के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। आईटी बॉयज़ निम्नलिखित क्रमशः 3 एवं 10 वर्षों से पूरी सेवा पूरी होने के उपरांत उनके कार्यकलापों के सीमारोपण संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रधान के अनुशंसा पर उन्हें निर्धारित ग्रेड की पारिश्रमिक अनुमान्य होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डाटा इंटरप्रेटर और स्टेनोग्राफर और प्रोग्रामर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाप्रबंधक बेल्टन अध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, 2 प्रतिनिधि सदस्य, तो ये सारी यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा में कौन कौन सिलेबस आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑनलाइन CVT होगा, जिसमें 50 अंकों का यहाँ पे मार्क्स पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें से कौन कौन से सिलेबस होने वाला है, कंप्यूटर के मूलभूत जानकारियाँ होने वाला है। उसके बाद विंडोज़ से पूछे जाएंगे आपको। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आने वाला है कुछ क्वेश्चन, इंटरनेट से कुछ क्वेश्चन आने वाला है, कंप्यूटर के रख रखाव तथा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, इसके बारे में कुछ। उसके बाद यहाँ पे कार्यालय संबंधी क्रियाकलापों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कार्यालय में जो काम होता है वही फोटोकॉपी, जेरॉक्स, ये सब तो काम होता है, ठीक है। तो टंगन में आपका यानी कि टाइपिंग में आपका 25-25 होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें कि आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें आंसू लिपि यानी कि स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर में आपका CVT जो है यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड 50-50 अंक पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको क्या क्या कौन कौन से सिलेबस होने वाला है, यहाँ पे कंप्यूटर की मूलभूत जानकारियाँ आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। उसके बाद विंडोज़, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, कंप्यूटर के रख रखाव था, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कार्यालय संबंधी क्रियाकलाप का ज्ञान होता इत्यादि। उसके बाद शॉर्ट हैंड, ठीक है।
सूरत लेख परीक्षा यानी शॉर्ट हैंड आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, जो कि 50 अंक होगा, इसमें 50% लाना आपको अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप नोट कर ले, या इस पीडीएफ को अगर आप इस नोटिस को अगर लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ से आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर स्टेनोग्राफर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे सिलेबस को आप पूरा रट लेना। ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड में वहाँ चाहिए 25-25-50 अंकों का। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको डाटा इंटरप्रेटर के लिए यहाँ पूछा जाएगा 25-25 अंकों का। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे शॉर्ट हैंड में भी 25-25 हिंदी इंग्लिश दोनों में 50 अंकों का यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 50% लाना अनिवार्य है, जिसमें कि आपको 50 अंक है, यानी कि 25 लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे इंग्लिश का जो मार्क्स है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, इंग्लिश को यहाँ पे 30 कर दिया है, और हो सकता है भविष्य में और बढ़ सके, इसीलिए आप स्पीड को थोड़ा ज़्यादा ही रख के चलिएगा, स्पीड को थोड़ा ज़्यादा रख के तैयारी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे तब 2018 में जब एग्ज़ाम दिए थे 2019 में, तो उस समय इंग्लिश 35 का था और हिंदी 25 का, अभी शायद बढ़ सकता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख के चलना। ठीक है, इसीलिए स्पीड को थोड़ा आप बढ़ा के रखना अपना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर ले प्रोग्रामर की, तो प्रोग्रामर के जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन सिलेबस यहाँ पूछा जाता है, सबसे पहले यहाँ पे CBT लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड विंडोज़ एवं कंप्यूटर का परिचय यहाँ पे पूछा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरनेट, कंप्यूटर का रखरखाव एवं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे C++ जावा ये सारे लेंगे। तो यहाँ पे आपको C++ java.net के प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है वो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, और यहाँ पे DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद SAD, उसके बाद YAS, उसके बाद W इंजीनियरिंग, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क में कौशल ज्ञान आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको प्रतियोगिता परीक्षा हिंदी एवं इंग्लिश क्रमशः 25-25 अंकों का यहाँ पे टाइपिंग ले जाएगा, जिसमें आके आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है। 25-25 अंकों का यहाँ पे हिंदी इंग्लिश होगा, यानी कि आपको यहाँ पे 50% इसका अंक लाना अनिवार्य है, यानी 50 अंकों का आपका टाइपिंग होगा दोनों मिला के, और इसमें 50% इसमें लाना अनिवार्य है, जिसमें कि 50 नंबर में आपको 25 लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात है कि यहाँ पे ये 2012 का है। ठीक है, तो अभी के एग्ज़ाम में जो है वो इंग्लिश में 5 अंक जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, और भविष्य में हो सकता है कि और बढ़ सके, इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे टाइपिंग का स्पीड जो है वो बढ़ा के रखें। ठीक है, यहाँ पे जितना मांग रहा है उतना उसके हिसाब से नहीं चलना है। ठीक है, इससे आप स्पीड को बढ़ा के रखें। ठीक है, वहाँ पे स्पीड और भी घट जाता है एग्जाम के टाइम। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोटिस कर ले। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।